सुविधा दी जाएगी। आप देखिए प्रधानमंत्री जी, भाजपा एनडीए के लोग ईडी सीबीआई इनकम टैक्स विपक्ष के नेताओं के ऊपर रेड डलवा करके उनको जेल में भेज रहे हैं। तो मुद्दा तो है ही नहीं। मैं बार बार कह रही हूँ कि विपक्ष मतलब सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं भाजपा, प्रधानमंत्री के पास क्या मुद्दा है? क्यों वो बात कर रहे हैं? बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, महंगाई पे वो बात कर रहे हैं। मैंने जो मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के मीडिया के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है, जो भाजपा का एजेंडा मीडिया सेट कर रही है, ये देश की जनता के सामने नहीं चलेगा। मैंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड असंवैधानिक है, उस पे मैंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम इसकी जांच कराएंगे और जो लोग इसमें दोषी होंगे वो जरूर उनको सजा मिलेगी। मुद्दा नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ भाजपा, आप बताइए भाजपा का कौन सा मुद्दा है? कौन सा? रोजगारी की बात कर रही है, बेरोजगारी पे बात कर रही है, महंगाई पे बात कर रही है, किसानों के मुद्दे पे बात कर रही है। प्रत्येक वर्ष दो करोड़ नौकरी का क्या हुआ? क्या किया प्रधानमंत्री जी? क्या के बात करते हैं कि तुष्टीकरण की बात करते हैं? हम लोग यहाँ अगर मुद्दों की बात करते हैं, हम बेरोजगारों की बात करते हैं, हम नौकरी देने की बात करते हैं, हम महंगाई कम करने की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री जी और भाजपा के द्वारा कहा जाता है कि तुष्टीकरण किया जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं? मीडिया एजेंडा सेट करेगा, मुद्दा मीडिया देगी भाजपा को उठा करके। भ्रष्टाचार में लिप्त होने की बात हो रही है, कार्रवाई करेंगे ईडी, कर ही रहे हैं जितने विपक्ष के नेता उनके ऊपर कर ही रहे हैं। तो क्या भाजपा में सब लोग उनकी भी जांच होगी? जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आरोप लगाया है, मैं बार बार कह रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आरोप लगाया है प्रधानमंत्री जी पर और भाजपा के नेताओं पे। एक सवाल है, आज से नीतीश जी निकले हैं रोड शो पर, आप बताइए ना कि कौन कौन बचा हुआ? मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री, सबको जेल में डाला हुआ है। तो ये कौन कह रहा है? ईडी सीबीआई किसका इस्तेमाल, ये लोग कौन कर रहा है? जो भ्रष्टाचारी है वही जेल जा रहे हैं। मुख्यमंत्री, मैंने भी यही कहा कि सारे भ्रष्टाचारी जो है वो जेल जाएंगे, अगर उनकी जांच होगी तो वो जेल जाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मैंने भी यही कहा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश मत करिए और मीडिया एजेंडा देश का ना सेट करे। ये नेताओं को सेट करने दीजिए, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हो या विपक्ष के नेता हो, उनको